पहली बार आ रहे हैं हम इधर, बहुत सो को पता भी नहीं रहे जिसके बाहर से लोग के पर अंदर से इधर है। ये देख लो, ये छोटा सा सीखते हैं, कितना प्यारा यार, ये देख सकते हो जी ने पान खिलाए, एक नंबर, मतलब मजा आ गया, मजा खंडर है। ये तो नहीं, भगवान माफ करना, डर क्यों, ये देख सकते हो पुरानी पोल है। तो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब, तो आज अपन घूमने जा रहे हैं सिंपल सा गंगोर घाट, ठीक है, जगदीश चौक के मंदिर और एक और क्या कहते हैं अमराई घाट, तीनों बहुत उदयपुर में पॉपुलर है, बहुत मशहूर जगह, तो तीनों घूम के आएंगे। तो एक बार मेरे दोस्त को पिकअप कर लेते हैं, फिर चलते हैं सीधा वहीं, ठीक है ना। तो तीनों जगह आपको आज घुमा के लाऊंगा मैं, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस बारिश मिल चुका है, तो बारिश को लेके जा रहे हैं अब घूमने, सीधा मिलेंगे वहीं जहाँ घूमने जा रहे हैं हम, तो फटाफट वहीं पहुँचते और आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। जी ने पान खिलाए, एक नंबर, मतलब मजा आ गया, मजा। अब सिटी में घूम ले हैं, फिर पहुंचते हैं जगह पे। तो जगदीश चौक पहुंच चुके हैं हम, अब आपको दिखाते हैं यहाँ। ये ऐसा है नजारा यहाँ पे, पूरी ओल्ड सिटी ऊपर। आप देख सकते हैं कितना प्यारा यार, ये देख सकते हो कितनी बारीकी से काम कर रखा है, कितने हाथों से बना रखा है इसको, ये देख लो, ये छोटा सा, इतना सा, मतलब पूरी कला देखो। इधर गए, इधर क्या है, इधर इधर आप, पंडित जी का घर है इधर, इधर आप बैठ सकते हो, आराम से बैठो यहाँ। आराम से आप यहाँ बैठ सकते हो, आराम से, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, देख सकते हो बैठने के पूरी। और इधर ये पंडित जी का घर है, जाने की ब्रिज है पंडित जी के घर जाने का, मतलब बहुत शानदार पिक्चर देखो। ये कह रहा मुझे भी बताओ। ये पूरा बाहर का एंट्रेंस, ये सामने युद्ध आप देख सकते हो, युद्ध ही हमारा धर्म है, धर्म रक्षा, हमारा धर्म ही रक्षा करना है, सामने ही है, बहुत अच्छे भगवान। ये गणपत जी का मंदिर अंदर ही, जगदीश चौक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है अंदर, देखो आप, ये है पीछे भी है उधर भी है, और ये अंदर जाने का मैंने बताया था, ध्यान नहीं, उदयपुर में भी अतरा देना, देख सकते हो पूरा ऊपर कला आकृति देखो ऊपर तक, मतलब अब देखना ध्यान से देखना, एक आकृति में कितनी आकृतियां हैं, ये देखो बारीकी से काम कर रखा है पूरा। देव का मंदिर है, सूर्य जय भगवान, मतलब देखने में इतना मजा आता है इस मंदिर को, तुम देख सकते हो इतना बारीकी से काम कर रखा है यार, देख लो
और कहीं मिल सकता है प्राचीन काल का मंदिर श्री बांके बिहारी का आत्मा दुर्गा माँ का मंदिर देख सकते हो। यहाँ देख सकते हो, यहाँ से एक और मंदिर का रास्ता जाता है बांके बिहारी, वो देखो सामने, वहाँ हमने भी कभी नहीं देखा, हम भी गोद्वारा है ये सिटी वाला रास्ता, और ये रहा बांके बिहारी का मंदिर, हमने भी कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहे, नहीं इतने साल हो गए हमको उदयपुर में, पर पहली बार देख रहे बांके बिहारी का मंदिर, क्योंकि यहाँ से रास्ता जाता है, ऊपर से भी होगा, तुम देख सकते हो यार, फिर देखो यहाँ के मतलब मंदिर देखो, ये जगह हमने मिस कैसे कर दी यार, पहली बार आ रहे हैं हम इधर, बहुत सो को पता भी नहीं रहे जिसके बाहर से लोग के, पर अंदर से इधर है, यहाँ से लोग है मगर ये रहा बांके बिहारी का मंदिर, अंदर बैठे हुए हैं, अंदर चलते हैं, कितना भव्य मंदिर है यार, मतलब बहुत सो ने उदयपुर वालों ने देखा भी नहीं होगा ये बांके बिहारी का मंदिर। हाँ जय बांके बिहारी लाल की जय, जय हो जय हो, मतलब पता रहे सॉरी मतलब आज हमको दिखाई दे रहा बांके बिहारी का मंदिर, मतलब यहाँ कोई है भी नहीं यार, बहुत सो को पता भी नहीं है कि बांके बिहारी का भी मंदिर है ना, और ये एंट्रेंस है, पर यहाँ ताला लग रहा है, आपको उधर से होके आना पड़ेगा जगदीश चौक के मंदिर के अंदर से होके, बहुत को पता भी नहीं है, मतलब हमने भी आज पहली बार देखा यार, दो तीन बार आ चुके हम जगदीश चौक पर, कभी देखने को ही नहीं हुआ, तो आज हमें बहुत अच्छा लगा यार बांके बिहारी का मंदिर, तो आप भी आके देखना चाहिए, आना चाहिए आपको, एक बार आना चाहिए यार, यहाँ बहुत शानदार लगा हमें तो। ये वाली है ना, ये वाली एंट्रेंस ताला लग रहा है, ये वाली एंट्रेंस बंद है, तुम्हें वहाँ से होके आना पड़ेगा जगदीश चौक के मंदिर से होके, और ये रहा मंदिर, और ये रहा रास्ता है यहाँ से, तो जो कि मेरे को बहुत शानदार लगा, ठीक है ना, चलते हैं बाहर, मंदिर को भी अभी इस मंदिर को ध्यान से देखना, चारों तरफ से हम दिखाएंगे तुम्हें, यहाँ भीड़ नहीं इसलिए हम तेज बोल पा रहे हैं, वहाँ भीड़ थी तो शर्म आ रही थी हमें, और क्या लोग क्या है नोटिस देखने लग जाते हैं, यहाँ से जो पानी आता है वेस्ट, मतलब वेस्ट तो क्या भगवान को जो चढ़ाया जाता है जो यहाँ से आता है, और देख सकते हो तुम कितना शानदार है, और ये शायद स्कूल है, अंदर से बहुत आवाज़ आ रही है, होटल नहीं स्कूल है, होटल भी है, स्कूल की आवाज़ नहीं आ रही, होटल ओपन अच्छा, और तुम देख सकते हो मंदिर में यहाँ पर भी कितनी शानदार कलाकारी कर रखी है यार, वरना रुको वो रूफ टॉप कैफे सामने खतरनाक बना रखा है कैफे, ओहो गजब लगा यार हमें ये मंदिर, मतलब जानने को मिला आज, जानने को मिला हमें कि अंदर भी एक मंदिर है जो कि इन घरों में से होके आता है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है बांके बिहारी का मंदिर, हाँ मजा आ गया, नाम भी देख लो यार कितना शानदार है, ये गेट है यहाँ से बाहरनो होता ना बाहरनो पूरो, और यहाँ से जाते हैं और यहाँ से ये रहा बाकी एंट्रेंस, उग गए ऊपर देखना, ऊपर पेड़ उग गए इतना पुराना, आखिरी मंदिर पूरे में घूमने के बाद, किसका मंदिर है, महादेव गोरेश्वर का, जो कि बहुत शानदार है, अंदर मंदिर का पूरा टूर करवा देता हूँ एक बार, यू इधर हो गया ठीक है ना, पीछे भी मंदिर है, इसके अंदर शॉप है, अलग अलग पेंटिंगें मिलती हैं अंदर, यहाँ पर देखो ये भी एक मंदिर है, पर इसका रास्ता कहाँ है हमें पता नहीं, वरना ये बहुत पुराना मंदिर है, ये भी बना इसका रास्ता है, यहाँ शॉप देखो सारी हैंडीक्राफ्ट के मिलेंगे सामान, ये देख लो हैंडीक्राफ्ट सारा सामान, और अंदर है इसके लाल घाट, लाल घाट भी घूम के आते हैं कई, लाल घाट में ये गंदी है देखो यार, लाल घाट इधर से अठी नहीं इसका प्राइवेट सिटी पैलेस, ये देखो भागते हुए जा रहे हैं स्टूडेंट आया है घूमने के लिए, ऊपर सिटी पैलेस का रास्ता है यहाँ से, कहीं मंदिर श्री गोकुल धाम का अभी बंद है, आगे सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस का गेट ये देख सकते हो, और मंदिर ये खुलो है नहीं दूसरा कना मंदिर का, मंदिर श्री जगत शिरोमणि जी, श्री जगत श्री का मंदिर भी दिखाते हैं तुम्हें गिर जाता है यार मैं ऊपर देखो, ये भीड़ देखो यार तुम, ये दौड़ रहे एक दूसरे को लेके, इतनी हंसी आ,
एक दूसरे को लेके ऐसे दौड़ रही है जैसे जैसे जंगलों में नहीं दौड़ते वैसे। तो दिखाता, ये देखो तुम। आ हा, मेरा उदयपुर जन्म में हुआ पर मैं भी आज घूम रहा हूँ, वो भी वीडियो बनाने के चक्कर में। यहाँ पर आने का सौभाग्य हम दोनों का। इधर देखो, आया हा, आज हम मतलब हमारा सौभाग्य ही है कि हम यहाँ घूम रहे हैं, हमें पता भी नहीं है यहाँ ऐसी ऐसी भी जगह है। तो आज हमने मन बनाया कि आज घूम के आएंगे पूरा। ये भीड़ देखो यार, एकदम शांति शांत माहौल है। मोटर है, मेरे को लगा कहीं फतेह सागर पुल होता हो, यहाँ से पानी निकलता। पूजा रही हो क्या आप? अच्छा प्रसाद भोग लगा रहे हैं भगवान को, देख सकते हो मंदिर। अंदर ये अंदर से ऐसा यहाँ से देख सकते हो। कौन सा है? जगत जगत शिरोमणि मंदिर सिटी पैलेस के पास। कितना शानदार मंदिर है। खंडर है ये तो, ये तो नहीं भगवान है। भगवान माफ करना, डर क्यों? ये देख सकते हो पुरानी पोल है। ये देख सकते हो कितना पुराना है। कितना पुराना ऐसे, ये तो बर्तन बर्तन वरना ऊपर ऐसा है। ये ऊपर मंदिर का फर्स्ट फ्लो, वो फतेह सागर, ये सिटी पैलेस। सिटी पैलेस से काम कर रहे हैं, पूरा सामने सिटी पैलेस। मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम भी यार, यहाँ इतना शानदार मंदिर, मजा ही आ गया। करंट है, फर्स्ट टाइम आया। हाँ, मैं भी फर्स्ट टाइम आया। अब देख लो, हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी नहीं उदयपुर में। मंदिर घूम के रिटर्न हो जाते, पर ये कभी नहीं। ये पुराने घर, ये फतेह सागर और लेक पैलेस, ठीक है, शानदार था। अंदर से पीछे एफएस का भी व्यू आ रहा था। ये मंदिर बहुत सौ को कम को पता है, पैलेस के जस्ट सामने। कोई भी नोटिस नहीं करता ये मंदिर चालू है, ये दिक्कत है ना आज। हाँ तो हमने तो दिखा दिया, अब आपको आके देखना है ये हाइड मंदिर, ठीक है ना। कि जगदीश चौक को सब जानते, पर इसे किसी को पता नहीं इतना कि कहाँ है, कैसा है ये मंदिर। अंदर से तो कितना शानदार लगा यार, तुम देख सकते हो। कहते हैं ना पुजारी वगैरह उन सब के ये घर है, क्या मजे है यार इनके मंदिर में रहना और पाठ पूजा करना। कितना शानदार है यार घर इनका। ये देखो, ये व्यू देखो यार तू, ये व्यू। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी भाई। दिल से यार तुम सब मेरी वीडियो देखते हो, बहुत खुशी होती है। तो आप सभी को, ये पार्ट वन था, पार्ट टू में आप मिलते हैं आपसे, ठीक है ना। पार्ट टू में गंगोर घाट और अमरे घाट दिखाएंगे आपको, अभी मंदिर दिखा दिए, बड़ा व्लॉग हो जाता है इसलिए मैंने ये एंड कर दिया। और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।